आज है संडे फ्रेंड्स, और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है डायरेक्ट ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में आज सैम को खाने का मन था पूरी सब्जी, तो उन्होंने अपने लिए लाया, ये मैं नहीं खाऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, ब्लॉग को पूरा जरूर देखना, मैंने आप सारे लोगों के रिप्लाई किए हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी ठीक हैं। और आज है संडे, और हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत मतलब जो की है उसमें थोड़ा ना लेट हो गया फ्रेंड, क्योंकि आज मैं बहुत लेट करके उठती सो करके उठी। मैं कितने बजे सो करके उठी हूँ बताऊंगा आप लोगों को? मैं 11 बजे सो करके उठी हूँ। इस वजह से ना मॉर्निंग ड्रिंक हमने लिया सही, मैं जल्दी से उठी, अपना जो इंट्रोक्सिन है वो हमने खाया, ब्रश वगैरह किया, नहाया, कपड़े धोए, उसका बच्चे कुछ बच्चों का जिनका एग्जाम था उनको शहर में बुलाया था, तो वो सारे बच्चे पढ़ के गए, फिर सारी डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज करके, और अब मैं फारिग हुई हूँ। तो मैं ना जल्दी से क्या कर रही थी, एक तरफ राइस चढ़ाती थी, एक तरफ आलू वगैरह मैंने बॉइल कर लिया था, और अब जा रही हूँ जल्दी से उसकी सब्जी बनाने। मैं आज बनाऊंगी आलू अंडे की सब्जी, जो कि अगर आपके घर में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स ना हो या कुछ अच्छा खाने का मन हो तो बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। अंडे आलू की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। सो आप लोग, मैंने रेसिपी बहुत बार शेयर कर दिया आप लोगों से, सो आप लोग जरूर ट्राई करें। फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सब्जी बनाने की, विषय को खाना खा करके कहीं निकलना भी है तो वो निकल जाएंगे, इसलिए टाइम से जल्दी से सब्जी रेडी कर दे रही हूँ। और मैं अभी इसको सब्जी चढ़ा करके और मैं अपनी डाइट ब्रेक करूंगी। अंडे आलू की ये वाली सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने अंडे को और आलू को पहले ही बॉईल कर लिया है, और आलू का को बॉईल करके उसका स्किन को हमने पील भी कर लिया। एक तरफ हमने राइस भी चढ़ा दिया जो कि मेरा अब होने ही वाला है। इस तरफ हमने ना कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई देगची जो भी आप बोल सकते हैं, पतीला भी कुछ लोग बोलते हैं। और यहाँ पे मैं अभी मेरा जब देगची गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी, और मैं बहुत कम ऑयल में ही अपना सब्जी वगैरह बनाने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग भी, जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं ना फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करें ना कि अपनी जो डाइट है ना उसमें ऑयल कम से कम खाने की कोशिश करें, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें हमने दो मीडियम साइज़ के जो है ना ऑनियन स्लाइस कर लिए थे, उसमें हमने दालचीनी और इलायची और दो पीस लौंग डाला था, और उन सब सारी चीज़ों को ना एक साथ आपको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करके जब एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा आपका ऑनियन, तो आपको क्या कम करना है, उसको मिक्सर जार में आप निकाल लें और उसे ठंडा होने दें। उसके बाद उसको फिर उसका पेस्ट बना लेना। जब तक मैं ठंडा हो रहा है, जब तक मैं बाकी के काम करती हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट डाली थी, हल्का सा एकदम लिक्विड सा करके मैं डाली थी। और इसमें फिर हमने हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट डाला है, जीरा गोल मिर्च का भुना हुआ पाउडर डाला है। अब इसे अच्छे से भूनूंगी जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। तो जब तक हमारा मसाला भून रहा है फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मिक्सर जार में, वही जो हमने ऑनियन ब्राउन किए थे उसका पेस्ट बनाने के लिए। और इसका पेस्ट अच्छे से आपको बना लेना है। और अब हमारा मसाला क्योंकि भून चुका है फ्रेंड्स, तो जब मसाला हमारा भून जाएगा, ये जो जितना हमारा पेस्ट बना है ऑनियन का, इसको आप डाल देना है इसी मसाले के अंदर। और इसको अब ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी भुन चुका है, ऑनियन हमारा पहले ही से हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो उसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा भुनना है। जब तक ऑनियन हमारा उधर भुन रहा है फ्रेंड्स, मैं सारे एक का भी ना स्किन को पील कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं ना इसे फ्राई भी करूँगी। लेकिन उससे पहले मसाला हमारा भुन चुका था, तो उसमें हमने जो है ना बॉईल किए हुए आलू को, सारे आलू को खड़े डाले हैं, दो तीन आलू को थोड़ा सा ना मैश करके हमने डाला ताकि अच्छी सी थिक वाली ग्रेवी हमारी बन जाए। और ये सब्जी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। पिछले ब्लॉग में ना कॉमेंट ये भी आया कि दी आपने जो है ना नगमा, तुमने जो सूजी का चीला बताया था और पीनट बटर के साथ खाने का, हमने ट्राई किया और सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बना कि बहुत पसंद आया, जो एक बार खाएगा वो फ़ैन हो जाएगा। तो जी हाँ, जो चीज़ें मुझे पसंद आती है वही चीज़ मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। एक हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था, एक का ना हल्का ऐसा फ्राई करना है कि उस पर एक कोटिंग सी आ जाए, जो कि देखिए आ गई है। उसका सब्जी हमारी इधर रेडी हो चुकी थी, हमारी हमें जितनी ग्रेवी लगानी थी उतनी हमने लगा दिया, और इसमें सारे एक को डाल देना और अच्छे से मिला देना, और अब कुछ भी नहीं करना, सब्जी हमारी रेडी होने वाली है, बस थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ना है। और यहाँ पे हमने इसमें कोरिएंडर लीप कट करके डाला है, यानी कि धनिया पत्ती। इसके बाद इस पर रख दूँगी ढक्कन, थोड़ी देर इसे दम करूँगी फ्रेंड्स, और हो जाएगा हमारा ये सब्ज़ी रेडी। चलिए, सब्जी तो हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स, और अब लग रही है मुझे भूख, और मुझे मेरा डाइट ब्रेक करने का टाइम आ गया। तो मैं आज ले रही हूँ स्प्राउट्स निकले हुए चने और उसमें थोड़ा सा किशमिश। आपने देखा मैं चना, क्योंकि ये हेल्दी है, बट उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मैंने एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। और आप लोग भी ऐसा ही करें, जो चीज़ हेल्दी भी उसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना, हेल्दी चीज़ों को भी एक पोर्शन में ही आपको लेना है। सो आपने देखा जैसे, इसी तरह आप भी खा सकते हैं। और ये चना एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको खा करके लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी,
भी मैं फिर से बोल रही हूँ। सो आप लोग अपनी डाइट में चना वगैरह ना ज़रूर ऐड करें। कच्चा चना से आया था कि वेट बढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं बढ़ता। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा खाते हैं तब वेट बढ़ता है। और अब हो चुका था फ्रेंड्स खाना का टाइम, मतलब खाना का टाइम शाम को निकलना था। मुझे तो अभी भूख नहीं है, तो मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी, लेकिन शाम को बाहर निकलना, तो इसलिए उनको मैं अभी खाना देने जा रही हूँ। और सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, हालांकि आपने देखा मैंने कितना कम ऑयल लिया था, इसमें ही हमने अपनी सारी सब्ज़ी बना के कम्प्लीट कर ली है। और शाम को हमने खाना दे दिया। और सैम की ये सब्ज़ी, ये भी वाली सब्ज़ी ना सैम की फेवरेट है, क्योंकि हम लोग के यहाँ गाँव में ये सब्ज़ी ना अक्सर बनती है। आप लोग पता नहीं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये वाली सब्ज़ी आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ गाँव में ये बेस्ट ऑप्शन है कि कुछ अगर सब्ज़ी वगैरह ना हो और टाइम कम हो तो ये फट से ये सब्ज़ी बन जाती है और अच्छी बनती है। हर कोई इसे शौक से खाएंगे। तो सैम तो खा पी करके बाहर निकल चुके हैं फ्रेंड्स, और अब लग रही थी थोड़ी थोड़ी मुझे भूख। तो पता ना अचानक मेरा मन किया, हालांकि हमने अपने हिस्से की राइस बना ली थी फ्रेंड्स, फिर भी मेरा अचानक मन किया कि नहीं मुझे रोटी खाना है। तो क्योंकि रोटी खाने थोड़ा अच्छा खासा टाइम हो गया ना, तो मुझे जब रोटी खाने का मन किया तो मैं आ गई हूँ अपने लिए रोटी बनाने। और इसी से मैं आज करूँगी अपना लंच, और आप लोग भी ऐसा ही करें। अगर आपको लंच में रोटी खाने का मन है तो आप बिल्कुल भी कोताही ना करें, आप लंच में भी रोटी खा सकती हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप लंच है तो आप राइस ही खाएं, जब आपका जो मन करे खाएं। लेकिन हाँ, डिनर में कोशिश करें राइस वगैरह नहीं लेने की। डिनर में रोटी चीला वगैरह या कुछ कुछ ऐसी लाइट वगैरह से ही डिनर अपना कंप्लीट करें। डिनर में आप बहुत ज़्यादा हेवी कुछ भी नहीं खाएं। वेट लॉस में अगर आप ऐसा करेंगी ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी भी अब बन के हो चुकी है रेडी, और गैस को यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। और अब 2 बज रहे फ्रेंड्स, मुझे लग गई भूख, सो जा रही हूँ मैं अपना लंच करने। शाम तो खा पी करके निकल गए हैं बाहर, और मैं जा रही हूँ अपना लंच फिनिश करने के लिए। और मैंने आपने देखा ही रोटी बना लिया, क्योंकि अचानक पता ना मुझे रोटी खाने का मन कर गया। मैं सोची चलो अपने लिए रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि आप देख रहे 2-3 दिन से ना, 2 दिन हो गए शायद, मैं चीला वगैरह यही सब पे रह जाती हूँ। फिर उसके एक दिन पहले खिचड़ा बनाए, वही 2 टाइम खा ली, तो रोटी को मैं बहुत ज्यादा ना मिस कर रही थी। तो मैं सोची कि रोटी ही बना लूं। सो हमने अपने लिए रोटी बना ली है। और आप लोग भी ऐसा करें, कोई जरूरी नहीं कि लंच में अगर आपको रोटी खाने का मन हो तब भी आप राइस ही खाएं, नहीं अगर आपको रोटी खाने का मन हो तो अपने लिए रोटी बना ले और उसे ही खाएं। और मैं आज आपको अपनी वेट लॉस लंच थाली दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। हर रोज दिखाती हूँ, तो आज भी दिखा। 6:15 होने वाले हैं और मैं अब जा रही हूँ अपना लंच करने। जी हाँ, उस टाइम मैं बोल रही थी ना आप लोगों को कि फ्रेंड्स मैं लंच करने जा रही हूँ और आप लोगों से अपनी वेट लॉस लंच थाली शेयर करूंगी। जैसे ही मैं प्लेट निकाली फ्रेंड्स, मेरे इस पे फोन आया चांदनी का, उसकी बेटी है जुड़वा वाली, जो कभी कभी आप लोग ब्लॉग में देखते हैं ना, वो ना वेट से नीचे गिर गए, और वेट के नीचे मतलब थोड़ा ईट टाइप का कुछ रखा हुआ था, तो उसी पे उसका जा करके सर लगा, और वही 7-8 महीने की है। और वो ना सीधे एकदम रोई भी, कुछ बोली नहीं और बेहोश हो गई, और आंख भी नहीं खोल रही थी। तो वो इतना जोर से रोते हुए फोन की कि जल्दी आइए, ऐसे ऐसा हो गया। तो मैं पता वैसी प्लेट रखी और फोन ली, घर लॉक की, सैम को भी कॉल नहीं कर पाई, और मैं उसके पास चली गई। तो उसकी बेटी को जब तक गई, जब तक होश आ गया था, उसके पापा वगैरह सब घर में आ गए थे, उसको उसी टाइम फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया, क्योंकि जब वो होश में भी आई ना, तो वो अपनी सही से आंख वगैरह नहीं खोल पा रही थी, और एकदम सुस्त जैसा लग रहा था कि वो बहुत प्रॉब्लम में है। तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो जैसे डॉक्टर के पास वो गई है, तो उसको डॉक्टर मेडिसिन वगैरह दिए, और बोला गया कि अगर उसको वोमिटिंग वगैरह फीड करते टाइम आता है तो उसका जो है ना सीटी स्कैन होगा, अगर फीड वगैरह करते टाइम वोमिटिंग नहीं आती है तो फिर बच्चा नॉर्मल है। 2-3 तरह का बाकी दवा दिया, तो वो सो गई है। और अभी बज रहे हैं 6:15 हो रहे हैं फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट घर में आई हूँ और फोन ऑन की हूँ, और भूख से हो रही है, मेरी हालत खराब, मगर वहां चांदनी बोली जब नॉर्मल सब चीज हो गया खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं लंच वगैरह सब बना करके थी तो घर का खाना मेरा इधर उधर हो जाता, तो मैंने नहीं खाया वहां से। हाँ, सैलेड वो कुकुम्बर कट करके दी, वो मैंने खाया था। और अब जा रही हूँ अपने घर में ही लंच करने। हम लोग घर में इतने ज्यादा लोग हैं नहीं, तो अगर खाना बन जाने से अगर एक टाइम नहीं हो तो खाना इधर का उधर हो जाता है। सो जल्दी से फ्रेंड्स, भूख से हो रही है हमारी हालत खराब, जल्दी से मैं अपना अब लंच कम्प्लीट करती हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई हूँ ब्लॉग का एंड करने, और आप लोगों के कुछ जो डाइट से रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड, उस कमेंट कर रिप्लाई करने के लिए।
तो मुझे ना कमेंट तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे किए हैं, लेकिन सारे को तो मैं इस ब्लॉग में नहीं ले पाऊंगी, तो जो कुछ कुछ कमेंट है उसको मैं लेती हूँ। जैसे एक कमेंट मुझे आया था, उन्होंने कहा था कि दी नगमा मैं ना चावल नहीं छोड़ सकती, क्या चावल खा करके वेट लॉस होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वही है कि आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, एक ही टाइम खाएंगे, जैसे लंच में आप खा ले। अगर आपको बहुत पसंद है चावल खाना, छोड़ना तो किसी भी चीज को नहीं है, हमें सारी चीज खानी है, बट पोर्शन कंट्रोल करके खाना और मतलब हेल्दी वे में खाना है, 32 टाइम च्यू करके खाना। और आपको ये कोशिश करनी है कि चावल एक ही टाइम खाइए, नहीं कि दो टाइम आप लेना शुरू कर दे, जैसे कि आप लंच ले लिए फिर आप डिनर में ले लो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सिर्फ एक ही टाइम खाए। सॉल्ट फ्री डे को भी लेके ये कमेंट आया कि क्या सॉल्ट फ्री डे वीक में दो बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा डियर, कि अगर आपको प्रेशर लो की प्रॉब्लम है तो आप दो बार बिल्कुल ना करें, आप एक ही बार करें। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर आप दो बार वीक में कर सकती हैं, खास करके जिनका वेट स्टक हो गया, अगर वो वीक में दो बार सॉल्ट फ्री डे करती है तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ना लास्ट ब्लॉग में जो ये बिस्किट मैं खाई थी इसके साथ चाय के साथ, तो कमेंट आया था कि बिस्किट में तो सॉल्ट होता है, तो मैं सॉल्टी बिस्किट नहीं ली थी। सॉल्ट फ्री डे में आप सॉल्टी बिस्किट भी नहीं ले सकते हैं, आप स्वीट बिस्किट मीठा बिस्किट ले सकते हो। कोई भी समय वो हैप्पी हैप्पी का चॉको फ्लेवर में जो मीठा बिस्किट आया था वो मैंने लिया था, 2 से 3 पीस मैंने खाया था चाय के साथ, एंड उसी से हम अपना डिनर कम्प्लीट हमने कर लिया था। सॉल्ट फ्री डे में एक बॉयल एग भी आप खा सकते हैं, ये भी कमेंट आया था। तो जी हाँ, सॉल्ट फ्री डे के दिन आप बॉयल एग भी खा सकते हैं। अच्छा, ये भी कमेंट आया था कि सॉल्ट फ्री के दिन जब हम सॉल्ट फ्री करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे हमारा वेट फिर से बढ़ जाता है, तो वो उसका रीजन एक ये भी होता है कि जैसे ऐसा नहीं है कि आज हमने सॉल्ट फ्री डे किया लेकिन जैसे ही कल हमारा सॉल्ट फ्री डे नहीं है तो हमने डायरेक्ट बहुत ज्यादा थोड़ा एक होता ना कि मतलब बहुत नमकीन चीजों पर अपने आप को मतलब जंप कर दिया, या बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ऑयली बहुत मसालेदार, तो फिर उस वजह से फिर से हमारा वेट रिटर्न आ जाता है। दूसरी चीज, वेट थोड़ा जैसे ही आप सॉल्ट की चीजें लेंगे रिटर्न आएगा, लेकिन थोड़ा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर आपने एक दिन में 1 केजी अपना वेट कम किया, मतलब जो वाटर वेट है वो कम कर लिया, तो आपका अगर आएगा तो कितना आएगा, 200 ग्राम 300 ग्राम आ जाएगा। अगर आया भी तो आप क्या कम करें ना, एक चीज हमेशा याद रखें, जो लोग भी वेट लॉस जर्नी पे है ना, आप अपनी डाइट में ना सॉल्ट फ्री डे के दिन तो हम लोग सॉल्ट फ्री डे करते हैं, लेकिन ऐसे भी नॉर्मल डाइट में भी ना हम सॉल्ट कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मल डाइट में भी अगर आप सॉल्ट कम खाएंगी ना, देखेंगे आपको वेट लॉस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो ये आदत आप अपनी डाइट में ना वेट लॉस के दौरान जरूर ऐड करें, कि जो हम जैसे सॉल्ट फ्री डे हमारा जिस दिन नहीं भी है उस दिन भी सॉल्ट जो है ना अपने खाने में थोड़ा कम डालने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि सॉल्ट फ्री के दिन क्या हम स्वीट खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कौन सा स्वीट? ये नहीं कि अगर हम सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्वीट प्रोसेस स्वीट आप नहीं खा सकते हैं। आप जैगरी से जैसे गुड़ से बनी हुई कुछ चीजें खा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते हैं, कि चलो मीठा है तो आज तो सॉल्ट फ्री डे नहीं है तो मीठा हम अच्छा खासा खा ले। आपको क्या करना, हेल्दी ऑप्शन तब भी आपको चुनना है, मीठा भी बहुत कम इसमें खाना है, और जो भी चीज गुड़ से बनी हुई चीजें, जैसे गुड़ से बनी हुई चाय, गुड़ से बना हुआ आप ओट्स वगैरह खीर की तरह बना के वो भी आप खा सकते हैं सॉल्ट फ्री डे के दिन, ऐसा कर सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा मीठा कुछ भी हम खा लिए तो फिर वो सॉल्ट फ्री डे का कोई फायदा ही नहीं होगा। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग को लेकर के ये भी कमेंट आया कि क्या हम 12 बजे हम खाएंगे तो हमारा वेट कम होगा, कल से हम भी 12 बजे अपना नाश्ता करना चाहते हैं? तो बिल्कुल कम होगा, जिन लोगों का वेट स्लो हो रहा नहीं हो रहा उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूर से जरूर करना चाहिए, और आपको कम से कम नहीं तो 10-15 दिन तो 2-3 महीने के अंदर में, जब तक आपका वेट पूरा फिक्स कम नहीं हो जाता, आपको ये नहीं हो जाता कि हाँ अब मेरा वेट हमको इतना ही रखना है, जब तक तो मतलब जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके बॉडी को रिजल्ट देता है, आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदा करता है। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो हर किसी को करना चाहिए। और लास्ट में मैं कमेंट लेना चाहूंगी, उनका नाम है पूजा गुप्ता, उन्होंने कहा कि आप ना मेरा नाम नहीं लेती हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब से जुड़े हुए लोगों का नाम लेती है। तो डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ना शायद कुछ गलत फहमी हुई है। मैं आपको बार बार आप लोग सब लोगों को बोलती हूँ कि बहुत सारे लोगों का होता क्या है ना कि मेरे से मतलब बाइटी से कमेंट हट जाता है, चला जाता है, तो फिर वो और बाद में जैसे कि उस टाइम मेरे जहन में होता है, लेकिन जब मैं ब्लॉग का वॉइस ओवर करती हूँ या एंड करती हूँ उस टाइम कुछ चीजें होती है जो मेरे जहन से मेरे भी निकल जाती है। अब इतना सारा कॉमेंट इकट्ठा तो मेरे जहन में रहेगा नहीं, तो उस वजह से होता ऊपर नीचे, लेकिन मैं आप हम लोग सबको बोलती
छोटी हूँ, हो सकता है अगर इस ब्लॉग में मैंने नहीं लिया तो आप सेकंड ब्लॉग में कमेंट कर दे, तो हो सकता है मैं किसी भी दिन किसी भी ब्लॉग में ले लूंगी। सो डियर ऐसा नहीं है, आप ये करे देखे कि मेरे चैनल से हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं और सब मुझे प्यार करते हैं, सबसे मैं प्यार करती हूँ। सो प्लीज आप दिल में जो आपके ये चीज आई है सो इस चीज को आप हटा दें, और दिल से मेरी तरफ से आपको सॉरी भी मैं बोलूंगी कि हाँ मेरी इसकी वजह से आपको ये गलत फहमी हुई है, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैं आपका नाम नहीं ले पाई, तो उसके लिए दिल से सॉरी। आज हमने नाम ले लिया, इसी तरह हमें प्यार और सपोर्ट देते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का अब एंड करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, कल से फुल डे रूटीन आप लोगों को जाएगी मेरी वेट लॉस की, फिर मतलब हो तो गया इतना खाना पीना इधर उधर हो गया, अब कल से फिर से पूरा एक हफ्ता पूरी स्ट्रिक्ट वाली हमारी रूटीन जाएगी और फुल डे आपको रूटीन मिलेगी। सो आप लोग कल से एकदम कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे बने रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।